शुगर को 2 दिन में, ब्लड प्रेशर को 4 दिन में और हड्डियों और जोड़ों में दर्द 6 दिन में ख़त्म कर देगा ये पत्ता। दोस्तों, आप ये जो वीडियो में पत्ता देख रहे हैं, ये है तुलसी का पत्ता। ये सभी के घर पर आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके फायदे से बहुत सारे लोग अनजान होते हैं। आपने इसे अपने आंगन में ज़रूर लगाया होगा, क्योंकि तुलसी का पूजा शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में इसका पूजा अत्यंत ही लाभकारी साबित होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इस तुलसी के पत्ते से अपने शरीर के बहुत सारे बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बारी बारी से जानते हैं कि कौन कौन से रोग में किस प्रकार से ये लाभ आते हैं। सबसे पहले हड्डी और जोड़ों की दर्द की समस्या में, अगर आप अपने शरीर के किसी भी दर्द की समस्या से परेशान हैं तो हो ना हो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ज़रूर हुई होगी। दोस्तों, कई बार सर्दियों में अक्सर हमारे जॉइंट्स में दर्द हो जाते हैं, तो इन्हीं सारे दर्दों के कारण को ख़त्म करेगा यह तुलसी का पत्ता। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके ताज़ी पत्तियों को उबाल करके और इसका काढ़ा पीना होगा। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना जितना चाय लेते हैं उतना ही आप इसका काढ़ा पीते हैं तो आप अपने शरीर के हड्डियों और जोड़ों की दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों, अगला है ब्लड प्रेशर। अगर आप अपनी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो ये तुलसी का पत्ता बहुत ही आसानी से ख़त्म करेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप रोज़ाना सुबह खाली पेट तुलसी के 4 से 5 पत्तों को चबाएं। अगर आप ऐसा लगातार 7 से 8 दिन तक करते हैं तो आप अपने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों, अगला है वो है डायबिटीज़, यानी कि शुगर। दोस्तों, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं। भारत में अभी बहुत सारे ऐसे केसेस मिल रहे हैं जिसमें डायबिटीज़ का केस सर्वाधिक माना जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इस तुलसी के पत्ते को उबाल लें, उबालने के बाद से छान लें। दोस्तों, आपको रोज़ाना जितना चाय लेते हैं उतना ही मात्रा में लेना है, लेकिन इसमें आपको ऐड करना है चुटकी भर काला नमक। काला नमक हमारे डायबिटीज़ की समस्या को कंट्रोल करेगा। इसके लिए आप इसे चाय की जगह पर रोज़ाना सुबह शाम लेना चालू कर दें। ऐसे अगर आप लगातार लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ से बिल्कुल कंट्रोल मिल ही जाएगा। अगर आप डायबिटीज़ का दवा ले रहे हैं तो उसे बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि दवा लेने की अब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 पत्ता तुलसी का चबाते हैं तो आप कैंसर से पीड़ित कभी नहीं होंगे, यानी कि आपको कभी भी ज़िंदगी में कैंसर नहीं होगा। दोस्तों, आप अपने आंगन में ज़रूर तुलसी लगाए होंगे, इसीलिए आप रोज़ाना 1 पत्ता ज़रूर सुबह चबाएं, ऐसे आपकी इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।